नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में अगले साल मार्च तक 90,763 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स को मेरिट लिस्ट प्रकाशन के लिए नया शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 26 दिसंबर तक जिलों के NIC पोर्टल पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट अपलोड करनी है। इसके बाद 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेरिट लिस्ट से संबंधित कैंडिडेट्स की ऑनलाइन आपत्तियां लेनी है। आपत्तियां लेने के बाद 4 जनवरी से 10 जनवरी तक का निस्तारण कर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देनी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इसके लिए इस संबंध में सभी जिलों के DM, DEO और DPO को लेटर भेजा है। साथ ही मेरिट लिस्ट के प्रकाशन में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। राज्य में पंचायत, प्रखंड सहित विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,763 शिक्षकों की बहाली होनी है। विभिन्न स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 63,951 शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए 26,811 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में दिसंबर 2019 में CTET पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में शामिल करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के अनुसार सिर्फ वही उम्मीदवार नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे जो 23 नवंबर 2019 से पहले CTET पास किए हों। आइए जानते हैं जिलों के किन स्कूलों में कितने पद खाली हैं जिन्हें भरने के लिए शिक्षकों की बहाली होनी है। दरभंगा में सबसे अधिक 8,244 पद रिक्त हैं, जबकि शिवहर में सबसे कम 337 पद खाली हैं। गया जिला में 2502, मुजफ्फरपुर में 4,806, पटना जिला में 2,272 और भागलपुर जिला में 2,012 पद रिक्त हैं जिन पर शिक्षकों की बहाली होनी है। कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए सामान्य विषयों में 46,870 पद रिक्त हैं। वहीं उर्दू शिक्षकों के लिए 14,662 और बांग्ला भाषा के लिए 135 पदों के लिए रिक्तियां बताई गई है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए गणित और विज्ञान विषयों के लिए 6,919, हिंदी के लिए 5,734, संस्कृत के लिए 4,499, अंग्रेजी के लिए 3,687, सामाजिक विज्ञान के लिए 2,536 और उर्दू के लिए 2,739 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार की गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कैबिनेट बैठक कर चुके हैं। कैबिनेट बैठक में बिहार के विकास और रोजगार के सृजन पर काफी जोर दिया जाता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी NDA गठबंधन की सरकार में जदयू, भाजपा, हम और VIP पार्टी शामिल है। भाजपा ने अपने चुनावी वादे में बिहार के बेरोजगारों को 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद भाजपा अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। फिलहाल बिहार में 90,763 शिक्षकों की बहाली होनी है जिसे मार्च तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं, अगर इस कार्य में कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए भी कहा गया है। तो जो लोग बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और इंतजार में हैं, उनके इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द बिहार के विद्यालयों में नए शिक्षकों की तैनाती होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।